रोटी इसकी बड़ी मजे की है, अच्छा टेस्ट है, पूरा खाने के बाद बताएंगे आप। सही भाई आप कुछ कहेंगे? क्या बताएं यार, पहले खाएंगे उसके बाद फिर बताएंगे कि क्या है, क्या हिसाब है। अभी तो बड़ा मज़ा है यार आज का। अभी अगर मैं बताना शुरू हो गया तो ये आपके सामने बैठे हुए ये सारा खा जाएंगे। सो गाइस मैं तो बातों में लगा हूँ इसलिए मैं पहले खा लूँ फिर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और सो गाइस अभी मॉर्निंग में सबसे पहले आज मैं अभी खाने में एप्पल लेता हूँ और उसके बाद फिर यही देख आपके भाई की तरह ताज़ा ताज़ा लाल एप्पल आ चुका है। कौन है ये लोग? और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप लोग ये नहीं करेंगे, ज़रा इसको वॉश करवा लूँ। एक्सक्यूज मी, जरा इसको वॉश कर देगा? 150 रुपया लेगा। खुलने नहीं है, बाद में आना। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मैं भी उठाऊँ, तो मैंने वो चीज़ देखी और मेरा दिल खुश हो गया। काली काली बारिश आ रही है, काले बादल और तेज़ बारिश आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की बारिश आ रही है। मैं आपको देख रहा हूँ, शायद आपको कैमरे में चीज़ नज़र ना आ रही हो, पर यकीन करें काले बादल हैं, फुल काले बादल हैं। कैमरा उतने ब्लैक नज़र नहीं आ रहे पर फुल काले बादल हैं और बारिश आ रही है, ख़तरनाक किस्म की बारिश आ रही है और बड़ी तेज़ बारिश आने वाली है। मेरी बाइक 70 जो हमारा सहारा है, जो हमें लेके घुमाती है और विजिट करवाती है और आपको सारी जगह दिखाता हूँ, वो गीले वजह से पहले इसको अंदर करेंगे क्योंकि बूंदा बांदी हल्की हल्की बस नहीं अभी शुरू होने वाली है। तो तेज़ बारिश आ रही है ज़बरदस्त किस्म की और हब्स बहुत है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि हब्स बहुत हो रहा है, हब्स की वजह से ना चांस ये है कि बारिश तेज़ आएगी और बादल काले बादल आ रहे हैं बारिश के। तो आज आपका भाई फ्री है, बारिश आएगी तुन के नहाएंगे, जम के नहाएंगे आज बारिश में और आपको मौसम इन्जॉय करेंगे। हो सकता है आपके इलाके में बारिश ना हो और आपके लिए बारिश ना हो रही हो, तो आप उधर से ही बैठ के बारिश इन्जॉय करना और अपने भाई को नहाते हुए देखना। जुबी अच्छा एक चीज़ और गाइस, आज मैंने जाना अपने दोस्तों के साथ रात में, वैसे ही बैठा गया दोस्तों की यारों की फ्रेंडशिप है। एक दोस्त ने नया घर बनाया है, उसने इन्वाइट किया, बोला मेरे घर आओ, मेरा घर देखो बड़ी मेहनत से बनाया उसने, चलो उसके घर जाएंगे, उसका घर देखेंगे नया और वहीं पे थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे बाहर। देखो उसके घर जाते हैं कि क्या, तो हो सकता है वहीं डिनर करें या फिर बाहर जाएँ, जो भी प्लान डिस्कस हुआ फिर आगे आपको दिखाएंगे साथ में। खाने में मेरा दिल कर रहा कुछ स्पेशल बनवाऊँ घर वालों से, देखते हैं घर वाले आज हमारी मुराद पूरी करते ही करते। अम्मी जी क्या बन रहा है खाने में आज? बना क्या रहे हो? मुझे एक ही चीज़ पसंद है, दम वाला कीमा। मेरी सिस्टर बनाती है दम वाला कीमा, ज़बरदस्त किस्म का कीमा बनता है। सकता है आप किसी 5-स्टार होटल का कीमा खा रहे हो या किसी शादी में जो कीमा होता है दम वाला कीमा, इस तरह का कीमा बनाते हैं। और मेरे घर में मुझे वो चीज़ सबसे बेस्ट लगती है, लोग बिरयानी पसंद करती चीज़, पर मुझे दम वाला कीमा बहुत पसंद। कमेंट में आप बताएगा कि आपको आपकी फेवरेट चीज़ क्या है और आपके घर वाले सबसे अच्छी चीज़ कौन सी बनाते हैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी है तेज़ और मैं आपके भाई ने शर्ट भी देखो चेंज कर लिए बारिश में जाके नहाने के लिए, बारिश स्टार्ट है, मैं जा रहा हूँ नहाने। तुझे भागता आपको भी पहुँचा है बारिश में नहाने के लिए। देखिए पूरा रोड गीला हो चुका है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, अभी आपका भाई नहाएगा इसमें दबके। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. भाई आपका भाई बहुत नहा चुका है बारिश में और हालत बुरी हो चुकी है, देख सकते हैं घर के लिए बिल्कुल भीग चुके हैं। भाई बड़ा इंजॉय किया बारिश में, बहुत तेज बारिश लगी, आप देख सकते हैं और भी हो रही है लगातार। भाई आपका भाई अभी नहा के आया और आपको दिखाया सारा, बड़ी ठंड लगी, बड़ा बस ना पूछो, बड़ा कपकपाया सर्दी से, फिर अंदर आ चुका। और एक और चीज़ बताऊँ गाइस, अभी वहाँ से काले बादल आ रहे हैं, सख्त किस्म के काले बादल आ रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश आ रही है। मैं तो नहा के अपना फारिग हो चुका, मैं चलो यार बारिश बंद हो चुकी है और अब तेज़ और काले बादल आ रहे हैं। बारिश में नहाने के बाद बहुत थक चुका था,
फिर सो गया था और अभी उठाऊँ। अभी आपको बताया था जैसे दिन में मैंने शुरू में, मैं अभी एक फ्रेंड के पास जाना है, फ्रेंड के साथ मिलके फिर एक और फ्रेंड के घर जाएंगे, वहाँ थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ, फिर हो सकता है फिर आगे क्या मूड बनता है बाहर कहीं भी जाते हैं तो फिर आपको दिखाएंगे। जैसे मैं आपको बताया था फ्रेंड के घर जा रहा हूँ आज मिलने उससे, उसके घर पहुँच चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ फ्रेंड से। मैं सैफुल्ला फाइनली यहाँ पे पहुँच गए और सबसे पहले तो हमारा पैर वहाँ पे पंचर हो गया था, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए। और ये हमारे दोस्त थे मेरा, इनको इन्होंने बहुत खर्चा किया है कि बहुत मेहरबानी हमें, मतलब हमारे हमें इतनी इज्जत दी और उन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत से हमें बहुत सारी चीज़ें स्टार्टर्स में दी और हमने खाई और बड़ा एंजॉय किया। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैठक बनाई है अपने घर में, आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, ये अगर मेरे सो गाइस जल्दी मैं यहाँ से निकलूँगा अपने घर की तरफ, जब मैं वहाँ पूछूँगा फिर आपसे रब्ता रहूँगा, फ्रेंड से बैठ के गपशप लगाते हैं। और ये अगर आपको ख़रीदनी है तो ये बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको देंगे ये भाई, अगर इनको मैं अपना रेफरेंस दूँगा तो ये मेरी मोहब्बत में जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 15 अरब रुपए में देंगे। तो कैसा लगा मेरा मजाक? तो जिसको भी लेनी है वो तो मुझसे रब्ता करें। सो भाई जैसे भाई ने बता दिया 15 अरब में आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी ये नहीं बताया पर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बता देंगे आपको। सो गाइस अभी फ्रेंड से हम लगाते हैं गपशप और बाद में आपसे बात करते हैं। सो गाइस जैसे आपको बताया था फ्रेंड के घर आपको दिखाया कि वहाँ बैठ के इंजॉय किया चाय वगैरह के साथ। सो वहाँ से हम लोग उसने काफ़ी रोका, मैं खाना वगैरह खा के जाऊँगा नहीं आराम चाहते हैं, फिर हम बाहर रेस्टोरेंट में आ गए क्योंकि फास्ट फूड खाने का मन था। तो फास्ट फूड खाने के लिए हम रेस्टोरेंट आ चुके हैं और अब यहाँ पे ऑर्डर कर चुके हैं, दो तीन चीज़ें टिक्का वगैरह इस टाइप का मंगवा लिया है और अभी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स दोनों वेट कर रहे हैं और जैसे ऑर्डर आता है फिर आपको ऑर्डर भी दिखाते हैं। मैं जो नॉर्मल डेज में रेस्टोरेंट जाता हूँ वो रेस्टोरेंट आज मैं सेलेक्ट नहीं किया, जो चीज़ हमने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया उसी जगह है, तो उसने हमें सजेस्ट किया कि रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त है आप यहाँ पे आओ। तो आज इस बार यहाँ पे आए रेस्टोरेंट, तो देखते हैं इसका फूड कैसा, आपको फूड भी दिखाते हैं और आप लोग भी देखिएगा कैसा फूड है। खाना आ चुका है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये टिक्का है, टिक्का साथ में बीफ रोटी मंगवाई थी, ये और ये कबाब है साथ में पराठे वराठे। सो गाइस अभी हमने टेस्ट किए फूड अच्छे और अभी हम खाएंगे सुकून से। सो आप जब तक थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए, यकीन करें बोटी इसकी बड़ी मजे की है, अच्छा टेस्ट है, पूरा खाने के बाद बताएंगे। सही भाई आप कुछ कहेंगे? क्या बताएं यार, फिर कहेंगे उसके बाद फिर बताएंगे कि क्या है क्या हिसाब है। अभी तो बड़ा मज़ा है यार आज बात भी, अगर मैं बताना शुरू हो गया तो ये आपके सामने बैठे हुए ये सारा खा जाएंगे। सो गाइस मैं तो बातों में लगा हूँ इसलिए मैं पहले खा लूँ फिर बात करता हूँ। बताया था रेस्टोरेंट से फास्ट फूड खा के निकल चुके हैं और ये दोस्त ने बोला चलो आइसक्रीम खाते हैं, अब भी शायद आइसक्रीम खाने भूल चुके हैं और ये सबने अपने फ्लेवर मंगा लिए हैं, भाई ने पिस्ता मंगाया है और ये सैफ ने मैंगो मंगवाया है और ये मैंने भी अपने लिए मैंगो फ्लेवर मंगवाया है क्योंकि मैंगो इज़ फेवरेट। और अभी आइसक्रीम खाते हैं और फिर निकलेंगे आपसे घर की तरफ। हेलो सो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, जैसे आपको सारे इंटरटेनमेंट दिखाई आज मैंने व्लॉग में, बारिश का मौसम, इन्जॉयमेंट, बारिश में नहाना, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, आज बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़बरदस्त दिन गुजरा फ्रेंड के साथ, क्योंकि जब भी आप फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो आपके अच्छे फ्रेंड्स हों तो आपको पता है कि उनके साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरता है और बहुत आप हंसते रहते हो, मतलब कि एक गुड मोमेंट होता है वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। सो गाइस अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, अभी सिर्फ सोऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, दिल से करिएगा। ओके गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, नई सुबह और नए सूरज के साथ। अल्लाह हाफिज़।